नमस्कार। आज एनवायरमेंटल सेफ्टी के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, जानेंगे कि एनवायरमेंट क्या होता है और इसको हम क्यों रक्षा करेंगे, क्यों सुरक्षा प्रदान करेंगे, और देखेंगे कि इसमें जो छह बेसिक रीजन है, छह बेसिक कारण है क्यों हम ये जो हमारा एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, रक्षा करेंगे, और हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो पहले देखेंगे एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट का मीनिंग क्या होता है उसको पहले जानेंगे। जैसे कि एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, पर्यावरण यानी परी यानी पृथ्वी, आवरण यानी इसके आसपास जो भी आवरण दिख रहा है हमको, पेड़ पौधे पशु पक्षी जल हवा पानी, ये जो भी है ये सारे एनवायरमेंट के अंतर्गत है। जैसे कि मानव, टोटल मानव समुदाय भी, हम लोग भी, और ये जो पेड़ पौधे हैं, पानी जल हवा, हमारे आँखों के सामने जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, वो सारे के सारे एनवायरमेंट के अंतर्गत है, सारे के सारे पर्यावरण है। तो ये पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल्स चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो छह बेसिक कारण है वो क्या चीज़ है, क्यों हम ये जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, उसको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो इसका जो छह बेसिक रीजन है, पहले है प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ, वो धरती को, पृथ्वी को हम इसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। उसके बाद फ्यूचरिस्टिक स्कोप यानी हम यहाँ पे जैसे जो भी हमको मिल रहा है, हवा पानी शुद्ध पानी और यहाँ पे जो एनवायरमेंट मिल रहा है, एक हेल्थी एनवायरमेंट मिल रहा है, इसको सही से हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट पीढ़ी है, अगला भविष्य है, वो लोग को भी ये सही से मिलती रहे, इसके वजह से भी हम, इसके लिए भी इसका एक मुख्य कारण है, हम पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करेंगे और हेल्थी लिविंग, मतलब एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक हेल्थी एनवायरमेंट चाहिए, सही पर्यावरण चाहिए, उसके लिए भी हमको इसको रक्षा करना है। उसके बाद बायोडिवर्सिटी यानी बायो यानी जो भी लिविंग चीज़ है, मतलब जो जीवित जीव जगत है और उसका जो प्रकार है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, इन सभी का सुरक्षा के लिए हम इधर टोटल मानव समुदाय भी, इन सभी का जो जीव जगत है उसका सुरक्षा के लिए हम ये पर्यावरण का जो भी सुरक्षा रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहेगा उसको पालन करेंगे। उसके बाद की जो होता है एक ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि यहाँ पे जो तापमान है, यहाँ का जो पृथ्वी का तापमान है दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका जो ग्लोबल वार्मिंग, जो तापमान बढ़ता ही जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसका पर्यावरण को सही से मेंटेन करेंगे, सुरक्षित रखेंगे यहाँ की हवा जल और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उसको सुरक्षित प्रदान करेंगे, एक ग्रीन एनवायरनमेंट होगा, मतलब एक जो भी जहाँ पे पेड़ पौधे रहेंगे और सारे चीज़ सही रहेगा, तो वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो सकता है। तो इसके लिए भी हम सुरक्षा, सही से सुरक्षा प्रदान करेंगे। उसके बाद हेल्थी लिविंग, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी हम इसका सही से इसका सुरक्षा प्रदान करेंगे, यहाँ की जो भी हवा है वो दूषित ना हो, वो हार्मफुल ना हो, मतलब जहरीला ना हो, यहाँ की पानी सही से रहे, यहाँ की हवा सही रहे, हम जो पदार्थ, हम जो चीज़ें यूज कर रहे हैं वो सही से रहे, और एक मतलब स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो जो व्यक्ति को चाहिए, स्वस्थ खाना, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ पानी और स्वस्थ एनवायरमेंट, स्वस्थ पर्यावरण, उसके लिए हम इसका पर्यावरण का सुरक्षा जो नियम है उसको पालन करेंगे और उसको सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारा, कि हम इसको हर दिन यूज करते हैं तो हमारा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको सही से रखेंगे। जैसे कि ये प्लांट है, प्लांट का जो एनवायरनमेंट है इसको हम कैसे सही से रखेंगे, यहाँ पे यहाँ की जो भी धरती है, यहाँ की जो भी फ्यूचरिटी स्कोप है, पानी है, हवा है, ये जैसा नष्ट ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, बायोडाइवर्सिटी हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाया हुआ है प्लांट के अंदर, वो कैसे सुरक्षित रहे, वो कैसे मतलब सही से स्वस्थ तंदुरुस्त रहे, यहाँ पे जो भी लॉन है, घास है, और ये जो पेड़ पौधे है, ये ऐसा नहीं कोई कहाँ पे जा रहे पेड़ पौधों को मसल डालना, पेड़ के नीचे पेड़ पौधों को कुचल डालना, ये मतलब एक ये हमारा सही अभ्यास नहीं है, तो इसको भी हम सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं वहाँ। उसके बाद यहाँ के जो प्लांट की अंदर की जो वातावरण है, हवामान है, वो कैसे स्वस्थ रहेगा, उसके ऊपर भी हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। और प्लांट के अंदर जो हेल्थी लिविंग स्पेस है, एक स्वस्थ जीवन जीने का जो प्लांट के अंदर जो एनवायरमेंट है, उसको भी सही से हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सही रखेंगे। और यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, तो हमारा एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लांट हो चाहे बाहर हो, घर हो, कहाँ पे भी हमारा एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नेचुरली चीज़ें हो, जो हमको मिला हुआ है, उसको हम सही से इस्तेमाल करेंगे और उसका सही से केयर लेंगे,
और उसको वो कैसे सुरक्षा रहेगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ जो हमारा पृथ्वी है, जैसे हम घर है, घर में जैसे रहते हैं वैसे ही घर पृथ्वी का ऊपर ही घर है, तो ये सारा पृथ्वी अपना घर है ना। जैसे हम घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं, ऐसे ही हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा आसपास जो दिख रहा है, इसको भी हम नीट एंड क्लीन बनाए रखेंगे, उसको गंदा ना करेंगे, उसका जो हर चीज़ हम सही से इस्तेमाल करेंगे। और इसको जैसे कि एक इसका जो नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको कभी ख़राब होने ना देंगे, है ना। इसको मतलब अर्थ प्रोटेक्शन, पृथ्वी के जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, जो इसका नेचुरली है, मतलब जो प्राकृतिक इसका एक सौंदर्य है, उसको हमेशा बनाए रखेंगे। जैसे कि ये प्लांट के अंदर यहाँ पे जो एक नेचुरली ब्यूटी है, जैसे कि पेड़ पौधे है, बागान है, गार्डन है, इसका मतलब सही से केयर लेंगे, इसका जो नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वो बनी रहे आगे तक, इसका हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, इसका कर्तव्य पालन करेंगे। उसके बाद होता है फ्यूचरिस्टिक क्रॉप, मतलब हम जो शुद्ध हवा, शुद्ध पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ जो हमको सही से मिल रहा है, वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन को भी सही से मिले, इसके लिए भी हम इसको केयर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ के जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गंदा ना हो, दूषित ना हो, उसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद होता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी जो भी जीव जगत होता है, बायो यानी जीव जगत और डाइवर्सिटी यानी इसका जो प्रकार, यहाँ के जो जीव जगत, मतलब जो पेड़ पौधे हैं और जो पशु पक्षियाँ हैं, ये सभी का जैसे सुरक्षित हो सके, ये मतलब कुछ नुकसान ना पहुँचे, जैसे कुछ केमिकल हो कोई पेड़ पौधे के पास अगर डाल देंगे तो जो पेड़ पौधे हैं वो मर जाएगा। तो हम ध्यान रखेंगे कुछ भी केमिकल चीज़ें हैं प्लांट में, बहुत सारा केमिकल है और ऐसा गर्म पानी है, ऐसा चीज़ कहाँ पे ना फेंके जो कि यहाँ की एनवायरनमेंट को ख़राब करो, नेचुरल और सौंदर्य को, जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको ख़राब करे, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उसको नुकसान पहुँचाए। उसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग यानी जो तापमान है, यहाँ की जो तापमान बढ़ता ही जा रहा है, अगर हम पर्यावरण का सही से सुरक्षा नहीं लेंगे तो यहाँ की जो तापमान है दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। इससे पहले जितना तापमान था पृथ्वी का, ये एनवायरनमेंट का, अभी काफ़ी गुना बढ़ गया है, तो हम इसका सही से सुरक्षा लेंगे। हेल्थी लिविंग स्पेस, एक हेल्थी लिविंग मतलब स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमको सही पर्यावरण का चाहिए, मतलब जैसे कि एक सही से हवा, पानी, वातावरण, एक हेल्दी लिविंग के लिए जो जो चाहिए उसका हम ध्यान लेंगे। उसके बाद उसका हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हम जो यहाँ पे ये हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका एक सही से ये सुरक्षित रहे, उसके लिए हमारा एक सामाजिक कर्तव्य भी होता है। तो ये देखेंगे कि एनवायरनमेंट के अंदर ये छह बेसिक कारण था जिसको हम सुरक्षित रखेंगे, और देखेंगे कि अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ नहीं, जो नहीं करना चाहिए, जैसे यहाँ पे जो हम काम कर रहे, जहाँ पे भी जो एरिया में रहते हैं, वहाँ पे कोई मतलब अनवांटेड नॉइज़, जैसे ही कुछ चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे आवाज़ करना, ये गलत है, ये हमारा जो हवामान है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको ख़राब करता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अगर टैप खुला है तो पानी बहता ही जाएगा, वो मतलब जो हमारा पानी है, पानी वेस्ट हो रहा है, उसको हम कंट्रोल करेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ के जो हवामान है, ऐसा जो एरिया है उसको नीट एंड क्लीन रहे, उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, और कभी हवामान को हम गंदा नहीं करेंगे। और जो क्या करना चाहिए, जैसे कि हमारा पानी जो हम यूज कर रहे हैं वो सही से हम इस्तेमाल करें, और आगे तक हमारा और भी कोई अगर इस्तेमाल करे तो इस्तेमाल करने लायक रहे, इस तरह हम छोड़ेंगे, वहाँ पे कुछ केमिकल का चीज़ हो या और चीज़ यहाँ पे ना रखेंगे, ना डालेंगे कि पानी गंदा हो जाए, है ना। और यहाँ पे जो हवामान है, हवामान को सही से रखेंगे, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखेंगे, ताकि एक सही